हेलो एवरीवन, मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राना फूड हाउस। आज हम बेसन गोंद के लड्डू की रेसिपी लेके आए हैं। लड्डू बेसन के सभी को बहुत पसंद आता है, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आइए देख लें बेसन के लड्डू बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे बेसन लिया है 500 ग्राम, चीनी 400 ग्राम, ये पीसी हुई चीनी है, 100 ग्राम के करीब ये मखाना है, और गोंद लेंगे हम 100 ग्राम। तो घी यूज करेंगे 250 ग्राम। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बेसन और गोंद के लड्डू। एक पैन ले लेंगे, हेवी बॉटम पैन ले लेंगे। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पे घी डाला है। गोंद को इसमें फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे भूनते जाएंगे। देखिए ये लावा अच्छे से खिल रहा है। इसे लगातार चलाते जाएं। गोंद अच्छे से फूल गया है। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। इस तरह प्लेट में से निकाल लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। इसी पैन में हम घी और ऐड कर देंगे और मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसी पैन में हम मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। मखाना भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छे से भुना गया है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी पैन में हम घी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 टेबलस्पून अच्छे से घी डाल दिया है और इसमें हम 4 लौंग और 4 इलायची को हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और बाकी घी हम बाद में ऐड करेंगे, अभी आधी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो गई है और इसमें हम बेसन को ऐड कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको अच्छे से मिला के और उसको हम भूनते जाएंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। गोंद और मखाने का दोनों का मुझे पाउडर बना लेना है। गोंद भी बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से फूल गया है, बहुत अच्छे से भुनाया है। मखाना भी देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है, बहुत अच्छे से भुनाया है। अब हम दोनों चीजों का एक मिक्सी जार में हम पाउडर बना लेंगे, दोनों को पीस लेंगे। लो फ्लेम पे इसे लगातार भूनते जाना है। बेसन के लड्डू के साथ बचपन की बहुत सी यादें हैं। मेरी नन्ना बहुत ही अच्छा बेसन का लड्डू बनाती थी, उनके हाथ में एकदम जादू सा था, बहुत ही मज़ेदार। मैं बता नहीं सकती हूँ कितने मज़ेदार वो बेसन का लड्डू बनाती थी। और हम लोग सब लोग जब वो लड्डू बन जाता था तो हम लोग हाथ में उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने को मिलता था।
बहुत ही मजा आता था। बाकी घी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भूनते जाएंगे। बेसन का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, पर अभी इसे और अभी भूनना है। सिम पे लगातार हम इसे भून रहे हैं और इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है बेसन में और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बेसन भूनने में बहुत टाइम लगता है, पर इसके जो लड्डू होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ये अच्छे से भुना चुका है। अब हम यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो हमने मखाना पीस के रखा था, पाउडर बना लिया था इसका, ये ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। गोंद भी हमने पीस लिया था, पाउडर बना लिया था, इसे भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसमें। गोंद और मखाने के वजह से ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। इसको एक बार जरूर बनाएं। और लास्ट में अब हम ये अच्छे से सब मिक्स हो गया है, अब हम लास्ट में जो पिसी हुई चीनी थी इसे भी ऐड कर देंगे। सारे चीनी को इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है चीनी। अब हम इसे उतार लेंगे और इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये काम हमें गरम गरम में ही करना है। बेसन का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक मलमल का कॉटन कपड़ा ले लिया है, इसे हम गीला करके इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़े में से सारा पानी निचोड़ लिया है बिल्कुल, और इसी कपड़े में हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। अब इसमें इस कपड़े में हम ये मिश्रण हम बेसन का इसमें डाल देंगे और अपने पसंद के साइज के हिसाब से आप इसका इसमें डाल के लड्डू बना लेंगे। लड्डू गरम गरम में ही बनाना है इस तरह से। देखिए लड्डू बन गए हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। इस तरह से सारे लड्डू हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। बेसन गोंद के लड्डू बनके रेडी हैं। इसे थोड़ा सा बादाम से हम गार्निशिंग कर दे रहे हैं। बेसन गोंद के लड्डू बनके रेडी हैं, इसे मैंने बादाम से गार्निशिंग कर दिया है। इस लड्डू को आप महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस लड्डू को आप एक बार बनाएं और सबको खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।